इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है, आपको बता रहे हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा, राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को मिलेगा 42% महंगाई भत्ता, जनवरी से जून तक मिलेगा महंगाई भत्ते का एरियर, एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा, 42% महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़ेगा, सेवा के 35 वर्ष पूर्ण होने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समय मान वेतनमान मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल सबको बता रहे हैं, जहां पर 42% कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा, 3 समान किस्तों में देंगे। वो सारे कर्मचारी जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी, कर्मचारियों के हितों में भी। हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। और इस खबर पर हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, बात की जाए तो चुनावी साल 2023 में और चुनावी साल में सीएम शिवराज के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उसी कड़ी में केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता देने का ऐलान भी किया है, क्या कुछ जानकारी अनुराग? बिल्कुल सनी, जिस तरह से अगर इस पूरी खबर के संदर्भ में बात करें तो ये गेम चेंजर हो गया है। अगर देखें तो इससे बड़ा गेम चेंजर अगर हम देखें तो कोई घोषणा को नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीधे सीधे एक अगर हम देखें तो 16 लाख वोटर्स को प्रभावित करने वाली ये घोषणा है। महंगाई भत्ता जो है केंद्र के समान कर दिया गया है, यानी 42% किया गया है। हालांकि इसकी घोषणा 23 जून को मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन अब लागू करने की बात कर दी गई है। साथ में अगर देखें दूसरी बड़ी की तो इसमें 42% महंगाई भत्ता जो लागू किया जाएगा वो जनवरी 2023 के वेतनमान से शुरू हो जाएगा। तो इससे ये भी देख सकते हैं कि जो 6 महीने का जो एरियर है वो भी 3 किस्तों में, यानी कि 2-2 महीने का एरियर अगस्त माह से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में एक और दो बड़ी घोषणा इसमें और शामिल है। 30 वर्ष की जिनकी सेवा पूर्ण हो गई है उनको प्रति समय मान वेतनमान का भी लाभ दिया जाएगा, और साथ में जिनकी 45 साल की सेवा पूर्ण हो गई है उनको चतुर्थ समयमान का लाभ दिया जाएगा। तो साफ तौर पर देखें तो बहुत बड़ी सौगात है, और स्पष्ट रूप से चुनावी साल में हम देख रहे हैं कि हर दिन सरकार एक बड़ी घोषणा कर रही है, लेकिन माना जा सकता है कि इससे बड़ी घोषणा कोई नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने वाली है। साथ में इलेक्शन में एक बड़ा रोल भी सरकारी कर्मचारियों का रहता है। तो तमाम कारणों से देखा जाए तो एक आज बहुत बड़ा और निर्णय है मध्यप्रदेश सरकार का, शिवराज सिंह चौहान का, और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा इम्पैक्ट 2023 के चुनाव में साफ तौर पर नजर आने वाला है। जी अनुराग, बात की जाए संविदा कर्मचारी हो चाहे महिला बाल विकास कर्मचारी हो, और अब केंद्र के समान महंगाई भत्ते की बात भी यहां पर सीएम शिवराज ने कर दी है, तो क्या इसका फायदा आगे आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स को प्रभावित करेगी। लगभग 15 लाख से ज्यादा वोटर्स को ये प्रभावित करेगी, और हमने देखा है कि इसकी बहुत बड़ी मांग थी लंबे समय से। चुनाव इसमें अगर हम देखें कर्मचारी आंदोलन पे थे, हाँ, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आप 42% महंगाई भत्ता ओल्ड पेंशन स्कीम के सामने ठहर पाता है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी मांग के रूप में कर्मचारियों की ओपीएस को देखा जा रहा है। पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये समझ रहे हैं कि कर्मचारियों की नाराजगी बहुत ज्यादा है तो उसको संभालने की कोशिश है, लेकिन यह बड़ी घोषणा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर पहुंचा सकती है। जी बिल्कुल अनुराग, देखना होगा कि आने वाले चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसको कितना भुना सकती है, क्या जो सरकारी कर्मचारी का वोट बैंक है वो अपने पाले में कन्वर्ट कर पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो बता दें आपको, चुनावी साल है 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसके चलते जो है सीएम शिवराज कोई कोरी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अधिकारी कर्मचारी वर्ग को एक के बाद एक जो है कई लुभावने वादे दिए जा रहे हैं, और उसी कड़ी में जो है अब केंद्र के समान महंगाई भत्ता भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये 3 किस्तों में एरियर के तौर पर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बात की जाए चाहे लाडली बहना योजना हो, या फिर हम बात करें महिला विकास कर्मचारी जो है उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी, या बात करें संविदा कर्मचारियों को लेकर जो पहले 90% का वादा किया गया था फिर 100% वेतनमान कर दिया गया है, और अब केंद्र के समान जो है 42% वेतन की बात यहां पर महंगाई भत्ते की बात कही गई है।
और इसी कड़ी में हमारे साथ जो है जितेंद्र सिंह जो है कर्मचारी अधिकारी मोर्चा के जो सदस्य हमारे साथ अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। सीएम शिवराज ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो प्रदेश के कर्मचारी हैं उनको केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले को, मुख्यमंत्री के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए 42% की घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 जून को कर दी थी और अभी तक शायद उसके आदेश नहीं हो पाए हैं, लेकिन केंद्र के समान जो डीए दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ ही मेरा ये कहना है कि जो सातवें वेतन मान के हिसाब से हमारा जो एचआरए रिवाइज होना चाहिए कर्मचारियों का, वो अभी तक सरकार उस पर मूक दर्शक बनी हुई है। हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो बात है मेडिक्लेम कर्मचारियों को, सबको मेडिक्लेम में दायरे में लाने की, उस पर सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। जो हमारा एचआरए है सातवें वेतनमान के हिसाब से मिलना चाहिए, उस पर नहीं हुआ है। और पदोन्नति जैसा विषय पिछले 7 साल से कर्मचारियों को सता रहा है, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार को आगे आने पर निर्णय करना चाहिए। पुरानी पेंशन इस प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, पुरानी पेंशन के बारे में भी सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। और जो स्थायी कर्मी हैं जिनको 15-20 साल के संघर्ष के बाद आपने दैनिक वेतन, ये जितेंद्र जी अब फैसला तो आ चुका है, देखना होगा इससे कितने जो कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, इसका फायदा क्या बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा या नहीं। फिलहाल हमारी चर्चा का हिस्सा बने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी।